यही हम लोग सभी किसान हम लोग बस यही चाहते हैं। हमारा भी यहाँ पे हमारा घर का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो मूल्य अभी जो चल रहा है बाजार में 16 रुपये, कल परसों ही हम गांव में पता किए कि उधर जो धान लेते हैं व्यापारी लोग कितना कितने दाम में वहाँ आप लोग को कितने दाम में खरीद रहे हैं। तो किसान के द्वारा बोला गया कि खेत से ही हम लोग के पास 16 रुपये के दर से हम लोग बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि किसान इतना मेहनत करके अभी जो खेती करने में जो परेशानी है ये हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही दिक्कत। एक अगर धान रोपने में अगर एक रोपनी को अगर हम लोग खोजने जाए तो कहीं भी आपको 10 बार उसके घर जाना होगा तब जाके वो हाँ बोलेगी कि हाँ कल जाएंगे। इतना दिक्कत होता है और उसके बोल के भी दूसरे दिन फिर सुबह अगर आप जाते हैं उसके घर तो नहीं हम उसके घर दूसरे को बोल दिए हैं। तो ये दिक्कत होता है। उसके अलावे बहुत सारे हैं किसान को खेती करने में हल जोताई उताई में भी बहुत अभी जो महंगाई का जो समय है महंगाई में हम लोग सब जानते हैं कि ट्रैक्टर का हल जोतने में कितना दर है और किसान भाई का जो मूल्य जो उन लोगों को मिल रहा है वो इन लोगों के लिए बोझा बोलते हैं भारी पड़ जा रहा है। आज हर चीज मशीन से हो रहा है। हम लोग सब जान रहे हैं कि धान भी पिटाई अब मशीन से हो रहा है। आसान हो रहा है लेकिन किसान के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल का ये है क्योंकि समय पे अगर उन लोगों को दर पैसा नहीं मिलता है तो उन लोगों को जो वो उदय किसी से ऋण लेके अगर किसान खेती किए हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए अभी जैसे बताएं अभी डीसीओ जी की 50% आप लोग को 2-3 दिन के अंदर में ही मिल जाएगा। बाद बाकी थोड़ा समय लगता है लेकिन रेट हमारा यहाँ रेम्स का बहुत अच्छा है। सरकार का जो दर है वो बहुत अच्छा है। आज यह प्रोग्राम हो रहा है और क्या है ये प्रोग्राम? ये आज धान अधिप्राप्ति मतलब धान क्रय केंद्र के शुभारंभ है उसका आज पहला दिन। धान का अधिप्राप्ति होगी यहाँ पर खरीदारी होगी तो अब इसका शुरुआत होने वाला है इस रेम्स में जी। क्या क्या चाहिए किसानों को यहाँ पर धान बेच अगर देना हो तो? इसमें किसानों को आधार कार्ड का 6 प्रति, मतदाता पहचान पत्र का 6 प्रति, बैंक पासबुक का 6 प्रति, एक मोबाइल नंबर और जमीन वंशावली मुखिया द्वारा सत्यापित करके चाहिए और एक फोटो चाहिए। दर से यहाँ पर खरीदारी की जाएगी? यहाँ 20 रुपया 50 पैसा पर किलो के हिसाब से खरीदारी की जाएगी। तो कितना तक दे सकता है एक किसान आपको धान? एक किसान अपना जमीन के आधार पर दे सकता है मैक्सिमम 200 क्विंटल से ज़्यादा नहीं। जमीन है अगर उसका 1 एकड़ तो 16 क्विंटल तक दे सकता है लेकिन ज़्यादा भी जमीन है तो 200 क्विंटल से ज़्यादा नहीं बेच सकता। आपका नाम? गोपाल कोहली। क्या है? यहाँ के लेखापाल हैं।